राम राम दोस्तों, सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े दोस्तों, शेयर करें और कोई भाई फ़ोन ना करे। ज़्यादा शेयर के दोस्त लाइव को, राम राम की तरह भाई सुरियन पांगड़ा, राम राम भाई, राम राम। सभी भाई लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। छोटू कुछ नटवा, राम राम। एवरा ठीक रहे, राम राम भाई, राम राम। तुलसीराम गुजर 2555, राम राम भैया, राम राम। युवराज भाई, राम राम। सभी भाई लाइव को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दोस्तों। बुद्धि राम कृष्णा घास, राम राम भाई, राम राम। हाँ भाई, अभी बताऊँगा यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा रुके यार, है ना। मनराज कटान डिगे, राम राम भाई, राम राम। कमल सिंधु अंडिया, राम राम भाई, राम राम। बुद्धि राम कृष्णा घास, राम राम भाई, राम राम। राम राम ब्रद राजी, राम राम साहब, राम राम साहब। सभी भाई ज्यादा ज्यादा लाइव में जुड़े दोस्तों, शेयर करें। देवराज राम राम साहब, भरत गुजर महुआ, राम राम भाई, राम राम। राम राम विनोद जी, राम राम साहब, विनोद जी कावरा साहब, राम राम साहब। आसु पागना जिंदाबाद, राम राम भाई, राम राम। अन्य केदार, राम राम। शैतान गुजर निवाई, राम राम भाई, राम राम। शेर गुरु यार भाई, ज्यादा ज्यादा यार। राम राम विक्रम, राम राम भाई, राम राम। हंसराज जी, राम राम साहब, राम राम साहब। विनोद जी, राम राम साहब। कृपया कोई भाई मेरे पास कॉल ना करे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी भाई मेरे पास कॉल ना करे, ओनली बस 5 मिनट के लिए। राम राम विक्रम, राम राम भाई, राम राम। राकेश बोकर ने गोलेड़ा, राम राम भाई। हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन है, कोई भाई मेरे पास कॉल ना करे। आर्यन चावड़ी, राम राम भाई, राम राम। सचिन क्या और बंदावड़, राम राम भाई, राम राम। मेरा ये निवेदन सभी भाई से कर, भाई कॉल ना करे। सत्यनारायण गुजर, मामा राम राम। अरे मामा घना नाम याद करे यार। अरे आसू डट रहे यार, आलान यार, रुक जा यार। हाँ मामा, हाँ रुक जा, देखो बार बताऊँ सारू। सभी भाई लाइव को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दोस्तों। सोनू पागड़ा इंदुदा, राम राम भाई। हाँ कहना, राम जी भी बता रहा हूँ ना यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जीतू रुके यार। मनीष जी, राम राम सब, राम राम।
हाँ बुद्धि राम 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 भाई, राम राम। हाँ भाई अभी बताऊँगा, अभी बताऊँगा। सब दोस्तों लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तपोसूत्रा राम राम भाई, राम राम। कृपया मेरे पास कोई भाई कॉल ना करे, 5 मिनट बाद में कॉल करे दोस्तों। राहुल चौहान राम राम भाई। राम राम हनुमान गुजर तुणा। राम राम जी, कालो राम जी, राम राम साहब। हाँ जी राहुल जी, अभी रुको यार, अभी बता रहा हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बताऊँगा अभी यार। थोड़ा शेयर करो यार लाइव। हाँ तो दोस्तों, जय देवनारायण भगवान की, जय कन्नल बाबा की, जय जलाल बाबा की। सभी भाई इसमें हाथ जोड़कर ये निवेदन है दोस्तों, सुबह जो मैं लाइव आया था तो दोस्तों वो किसी की मजबूरी बैठ दोस्तों, वो क्या दोस्तों सुबह में नाइट को क्या है लेट हो गया दोस्तों। कल मैं गया था, मैं करता हूँ दोस्तों फाइनेंस में काम, तो दोस्तों नाइट को मैं लेट हो गया था, पुराना गया था फाइल ओपन करने के लिए। हाँ हथौड़ा के पास पुराना है दोस्तों वहाँ पे, तो दोस्तों वहाँ से आके मैं नाइट को किसी दोस्त के रूम के पास में रुक गया दोस्तों नाइट को। उसके बाद दोस्तों मैं वहाँ से सुबह 8:30 बजे मैं वहाँ से निकला, निकलते दोस्तों गणदेव गुजर पाउंडेड़ा, जो दोस्तों मेरे को एक यहाँ पे अपने आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे अपने बस स्टैंड से बमोरपुड़िया की तरफ चलते ना दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों एक चाय की थड़ी है, वहाँ पे दोस्तों उधर से मैं निकल रहा था, वहाँ पे जस्ट दोस्तों गणदेव गुजर, मेरे को पता नहीं था भाई, पता नहीं कौन है यार, मेरे को आवाज़ लगाई रामदयाल जी, तो दोस्तों मैं रुक गया, मैंने सोचा यार पता नहीं यार कौन है, तो दोस्तों रुकते ही गणदेव मेरी गाड़ी के पीछे बैठ गया, और बैठते दोस्तों गणदेव ने बोला यार चलो रामदयाल जी पुड़िया के आगे चलो यार चाय पीते हैं अपने यार, और मैंने सोचा भाई चलो ठीक है यार, क्यों गणदेव यार वो दोस्तों यार पुराना मित्र था मेरा यार, वो कभी कभी मिल चुका है मेरे से, वह पहले ये मैटर नहीं हुआ था ना उसके पहले, मैं जानता था उसको, तो मैंने सोचा भाई चलो यार, तो दोस्तों गणदेव ने बोला यार थोड़ा आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ऐसे करके दोस्तों उसने मेरे को कहा ले गया दोस्तों, ये जो अपने नहर आती है ना बमोर जाते हैं हम जब, वहाँ पे इधर साइड आपको पता होगा एक पेड़ है वहाँ पे केजड़ा, और दोस्तों के साथ कम से कम नहीं तो 6-7 बंदे और थे दोस्तों, वहाँ लेके गए दोस्तों मेरे को। वहाँ ले जाने के बाद में उसने बोला भाई यार तू एक काम कर, मेरा एक छोटा सा काम कर दे तू। मैंने बोला भाई बोल भाई यार, फिर उसने बोला रामदेव यार मैं गाड़ी मदरा दिया ना कि मैं गाड़ी जला सकता हूँ क्या, आपको मेरे विश्वास नहीं है क्या। मैंने बोला यार भाई मतलब मेरे को पता नहीं है, पता नहीं किसने गाड़ी जलाई है किसने नहीं जलाई भाई, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मैं सिस्टम मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ मैं यार, मेरे को बदमाशी क्या मतलब है यार भाई। तो उसके साथ दोस्तों कम से कम 6-7 बंदे और थे, उसके बाद दोस्तों 2 देसी कट्टे थे। हाँ दोस्तों वो जो बंदे थे ना उसके साथ में, मतलब जो बंदे थे उसके साथ दोस्तों 2 देसी कट्टे भी थे। हाँ दोस्तों उसके बाद दोस्तों वह मुझसे मुझे ज़बरदस्ती डराने लगे, भैया तो तू लाइव आ। मैंने बोला दोस्तों मुझे मेरे फ़ोन में बैटरी सिर्फ थी दोस्तों 7%, मैंने बोला मुझे यार भाई मेरे फ़ोन में बैटरी कम है और ऐसे करो यार मेरी आईडी पे मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ, डरा दम गए दोस्तों ज़बरदस्ती करके दोस्तों मेरे को सुबह डायरेक्ट
नहर पे लेके जाता है वो 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, भूमरपुड़िया के पास में दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, मतलब दो मतलब 6-7 बंदे थे उसमें से, मतलब दोस्तों नए नए थे बंदे मादर चौधरी, मैं जानता नहीं हूँ उनको। तो दोस्तों एक बंदा बोलता है पिस्टल लोड करता है वह, कि यार चल ठीक है लाइव नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है अभी इसको यहाँ पे सिस्टम ख़त्म कर देते। तो दोस्तों मैंने कहा मुझे यार मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, ऐसे कर तू यार मेरे आईडी से लाइव में नहीं आ सकता हूँ, मेरे फ़ोन बैटरी में बंद हो जाएगी क्या मतलब है। तो दोस्तों एक दोस्त बोला यार ठीक है मेरे फ़ोन से तू लाइव आ जा। तो दोस्तों मैं लाइव आ गया, गणदेव ने जो कहा दोस्तों वो आप सुबह जो मैं लाइव आया था दोस्तों उसमें आप देख चुके होंगे कि सिस्टम क्या था क्या नहीं था। गणदेव ने दोस्तों ये कहा मेरे को कि तू ऐसे बोल मदरा दीवाना के बारे के अंदर, भाई गणदेव ने गाड़ियाँ नहीं जलाई थी, गाड़ी जलाने वाला कोई और था, और गणदेव पेट्रोल पंप है दोस्तों फाउंडेडा के पास में, तो वहाँ पे गणदेव सो रहा बताया मुझे, बोला भाई यार मैं वहाँ पे सो रहा था, हो सकता है आप वीडियो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने कहा यार भाई ठीक है यार तू सो रहा होगा मुझे पता नहीं, पर भाई यार तुम मुझे क्यों उड़ जा रहा है इस मैटर में यार। उसने बोला भाई नहीं रामदेव जी आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये काम करना पड़ेगा दोस्तों, ज़बरदस्ती दूस दबाव से गणदेव गुजर पाउंडेड़ा, उसने दोस्तों मेरे को ये बोला। उसके बाद दोस्तों जो उन्होंने कहा तुम्हारे को पता है दूसरी बात का, जब 7-8 बंदे अगर उसके साथ हो, अपन अगर मैं कहलाऊँ या आप मेरी जगह अगर आप हो, तो दोस्तों आप खुद भी मतलब वो जो कहेंगे ना वो करने के लिए आप तैयार हो जाओगे दोस्तों, ये मुझे पता है इस बात का। क्योंकि दोस्तों आप 8-10 बंदे के सामने अपने क्या उकाते अकेले के बताओ आप तो मेरे को। दूसरी बात दो कट्टे थे देसी, दोनों लोड थे, उन्होंने बोला भाई बोल वरना बस खत्म है काम। तो दोस्तों जैसे उसने कहा गणदेव गुजर ने, वैसे दोस्तों सुबह मैंने करा, लेकिन दोस्तों उसके बाद में वहाँ पे मैं किसी दूसरे के फ़ोन से लाइव आने के बाद दोस्तों वहाँ से मैं गणदेव मेरे को भी बोला यार ठीक है यार रामदियाल जी कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप जा सकते हो। मैंने बोला ठीक है यार, मैं गया दोस्तों मेरे ऑफिस, मैंने परजेट लगाई, वहाँ से मैं सीधा जा रहा था दोस्तों नया गाँव घर पर। तो दोस्तों माधुबर पुड़िया नीचे आया दोस्तों, वहाँ पर मिले मेरे को कौन गणदेव, और वापस वही बंदे मिलते हैं। उन्होंने बोला यार इसे कर रामदयाल जी तेरा फ़ोन मेरे को दे। मैंने बोला भाई क्या बात हुई यार भाई। उन्होंने बोला यार तेरा फ़ोन आज मेरे पास जब्त रहेगा शाम तक, आज आज मतलब तू कुछ भी नहीं कर सकता फ़ोन से। मैंने बोला ठीक है यार ये फ़ोन तू रख इसे कर माजदान। तो दोस्तों मैं फ़ोन उसको दे के और दोस्तों मैंने डायरेक्ट मैं निकल गया दोस्तों घर पर, घर पे जाकर खाना खा के नहाया था दोस्तों। मैंने उसको बोला भाई भाई मैं वापस आ रहा हूँ मुझको 1/2 घंटे के अंदर अंदर। उन्होंने बोला भाई ठीक है भाई हम तेरे को यहीं मिलेंगे। तो दोस्तों वो मेरे को मतलब अपने ये जो रिद्धि सिद्धि होटल है ना दोस्तों, इसके पीछे कोई रूम है वहाँ पे दोस्तों मेरे को लोकेशन पता थी, भाई तू यहाँ पे आ जाना दोस्तों। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मुझे मिल गए दोस्तों। रही दूसरी बात दोस्तों मंदराज जी की, तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन है कि मंदराज जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। मंदराज मेरे बीआई लगते हैं, लेकिन क्या करूँ दोस्तों सुबह में मजबूर था उसके आगे पिस्टल के आगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो भी मैंने कहा मंदराज के बारे में दोस्तों वो सब फर्जी है, झूठ है, सब अफवाह है। और दोस्तों मंदराज जी साथ बहुत गलत हुआ है दोस्तों, 30-35 लाख रुपये का उसके नुकसान हुआ है दोस्तों। तो हाँ ये बात मैं समझता हूँ भाई, जो हत्यारे हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने गाड़ियाँ जलाई है उनको सज़ा होनी चाहिए। प्रशासन क्यों यार, प्रशासन क्यों सोए हुए है बताओ आप तो मेरे को यार। वो यार खुले आम बैठ टों के अंदर घूम रहे हैं बोलो, जहाँ पे हर सर्किल पे हर जगह टों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि यार थोड़ा बहुत देख लो यार एक बार यार मंदराज की तरफ, थोड़ा बहुत देख लो यार। वो भी गरीब आदमी, वो कोई इतना बड़ा वो नहीं है भाई, यू भाई मंदराज जी भाई बैंड करोड़पति आदमी है, लेकिन दोस्तों वो गरीब आदमी की दो गाड़ियाँ जली है दोस्तों। तो मेरा यही निवेदन है कि सभी भाई से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मंदराज जी को सपोर्ट करें और मंदराज जी को न्याय दिलाए। दूसरी बात दोस्तों ये गैंग यहाँ पे दोस्तों टों के अंदर घूम रही है, ये उस ये उनको पकड़ रहे हैं दोस्तों जो मतलब मंदराज जी के साथ में रहते थे ना, जो उसके कास है
ये उसको उठाते उठाते बस पिस्टल दिखाते तुरंत भाई लाइव आ वरना डायरेक्ट ऑन द स्पॉट खत्म। तो दोस्तों ये वो सिस्टम हो रखा है दोस्तों मेरा फोन जब्त था उनके पास 4 बजे तक। हाँ दोस्तों 4 बजे तक मेरा फोन उन्होंने रख लिया था, उन्होंने फोन मेरे को भेजा देख के दोस्तों, और दोस्तों मैं भी निवाई हूँ इसलिए दोस्तों मैं चौथ का भरवाड़ा आता दोस्तों 100%। लेकिन दोस्तों इसी कारण मैं भरवाड़ा नहीं आ पाया मीटिंग के अंदर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ दोस्तों। रही दूसरी बात दोस्तों तुलसीराम जी की, तो यार मुझे क्या पता है तुलसीराम जी के और इसके गणदेव क्या मैटर है दोस्तों। उन्होंने सुबह बोला था यार तू इसे बोल ऐसे बोल तुलसीराम के बोल तू, भाई तुलसीराम जी माफ़ी मांगा था उसने पोस्ट नहीं डाली लाइव किसी नहीं है क्या कारण था। मैंने बोला यार गणदेव भाई मुझे पता नहीं है यार भाई यार तुलसीराम जी मैटर तुझे पता है या फिर किसी जिसने आपका वीडियो बनाया उसको पता है यार, मुझे क्या पता यार वो क्यों लाइव नहीं आया यार। तुलसीराम जी एक नंबर आदमी, उसे नाम चलता है उसका यार, देव ट्रांसफर कंपनी मोरबी। हाँ वैसे गलत आदमी नहीं है भाई दोस्तों। अरे दूसरा मंदराज जी की, तो दोस्तों आपको पता ही होगा मेरा फोन तो उसके पास जब्त था। बताओ दोस्तों मैं क्या कर सकता था। उन्होंने बोला यार तू जब तक 4 नहीं बजेंगे जब तक तू हमारे पास रहेगा, तो दोस्तों मैं उसके पास 4 बजे तक मेरा फोन दिया दोस्तों, मैं निकल गया निवाई, अभी निवाई हूँ दोस्तों मैं। और सभी भाई उसमें हाथ जोड़ने निवेदन साहब मंदराज जी के मैं साथ रहा हूँ टेढ़ से लेकर टेढ़ तक। आपको पता होगा दोस्तों मंदराज जी का जब भी कहीं भी मतलब कुछ भी संकट है ना मंदराज जी पर, तो दोस्तों मैं तैयार रहा हूँ आज दिन तक। आपको पता ही होगा दिल्ली जब दिल्ली से एम्स के अंदर ले जाके के मंदराज जी का ऑपरेशन करवाया मैंने, इस बात दोस्तों आप जानते होंगे यार। मंदराज जी दोस्तों एक नंबर आदमी है वह, और भाई वो तुम्हारे हाथ जुड़ने हुए थे मेरा यार मंदराज की प्लीज न्याय दिलाइए। दूसरी बात प्रशासन से कहिए आप बरवाड़ा थाने से यार पकड़ो ना उनको यार, आपकी क्या दिक्कत है यार। जब तीनों आरोपी टोंक जिले के अंदर बिना नकाब के कोई बिना मतलब नो डर नो झंझट के अलावा घूम रहे मोटरसाइकिलों पे, यार कौन सा कानून आ गया यार भाई। अरे पुलिस आती ना तो इनको मतलब 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सकती है अगर पुलिस आई तो। दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है, सुबह दोस्तों जो मैं लाइव आया था जबरदस्ती मेरे से लाइव अड़ाई गई थी दोस्तों, 6-7 बंदे थे 4-5 गाड़ियों थी उसके मोटरसाइकिलें, और गणदेव गुजर मेरे साथ में था। उन्होंने बोला रामदेव मैं कहूँ जैसे कर बनना ये पिस्टल देख ले और पैर तू देख ले। तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन दोस्तों मैं आज बरोड़ा इसलिए नहीं आ सकता दोस्तों, नहीं आया इसलिए क्योंकि मेरा फोन जब्त था और मेरे पीछे मतलब लोकेशन लगी हुई थी जहां पर भी मैं जाता था चाहे चाय के होटल पे। हाँ करे यार भाई यार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है यार दोस्तों मैं चौथ का बरवाड़ा 100% आता, लेकिन दोस्तों इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। हाथ जोड़ के मैं भी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, मैं मंदराज जी दीवाना एक नंबर आदमी है यार, नुकसान हुआ है उसके यार अगले बंदे के यार 35 लाख रुपए का, आप कमा के 35 लाख रुपए कैसे आते हैं। अरे आप कमा के देखो यार, दो दो गाड़ियां जली उनकी यार, स्कॉर्पियो थार। हाँ जोड़ के मेरे सुबह सुबह निवेदन है दोस्तों, जो भी मैं सुबह लाइव आया था आपको पता है दोस्तों मैं मेरी आईडी नहीं आया था, मेरे फोन में बैटरी कम थी इसलिए किसी के गणदेव गुजर पाउंडेड़ा उसके दाब दबाव में दोस्तों मैं लाइव आया था, क्योंकि अकेले शेर को तो यार कोई भी घेर सकता है, तुम्हारे को पता है इस बात का। मतलब दीवाना दोस्तों बहुत सही आदमी है, जो भी मतलब मैं सुबह लाया दोस्तों उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मजबूर था यार दोस्तों यार। अगर आप मेरी जगह अगर आप भी होते ना तो आप भी मतलब ये करते जो मैंने किया ना वही करते आप, लेकिन मैंने वो नहीं किया जो वो कह रहे थे ना वो मैंने नहीं किया।
मैंने सिर्फ वही किया जो बस मैंने कहा उनको, मैं नहीं यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर करें। और मेरा बरोड़ा थाने से निवेदन है पुलिस प्रशासन, जो मंदराज दीवान गरीब नुकसान हुआ है उनके अपराधियों को कृपा करके तुरंत गिरफ्तार करें। हाँ पुलिस प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि उन अपराधियों को कृपा करके तुरंत उनको गिरफ्तार करें, वरना फिर आगे का फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ खुलेआम कोई नो फिगर नो टेंशन पुलिस की, खुलेआम टोंग में डोल रहे हैं यार, वरना कोई ऐसे अपराध करके टोंग में डोल सकता है क्या कोई? आपको बताओगे दोस्तों टोंग में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, अगर पुलिस आए 2 मिनट लगेगी पकड़ने में उनको, 2 मिनट ओनली ये गिरफ्तार हो गए। दूसरे बात मदरा दीवाना जिंदाबाद है, जिंदाबाद तार जिंदाबाद रहेगा। हाँ दोस्तों इसी वजह दोस्तों मैं आज बरवाड़ा नहीं आ पाया, मुझे बहुत दुख है इस बात का। मुझे पता है मेरे कितने फैन हैं, मेरे पास कॉल आ गए बहुत सारे, लेकिन दोस्तों मेरा फोन उसके पास था तो उन्होंने मतलब कॉल भी मना कर दिया मेरे को, सिर्फ मेरा मेरे जो बैंक मैनेजर है ना जिस फाइनेंस में काम करता हूँ उसने तो मुझे बोल दिया मुझे यार मेरे को इस मैनेजर से एक बार बात करवा दे बस ओनली, और क्यों रहने दे तू। दोस्तों उस मैनेजर से मैंने 2 मिनट बात करी थी। हाँ मैनेजर ने बोला रामदेव कहाँ है मुझे, सर यार मैं इधर पसा हुआ हूँ थोड़ा साइड में हूँ फाइल वगैरह करने आया हूँ सर। उन्होंने बोला चल ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, ये कह के फ़ोन काट दिया। उसके बाद दोस्तों जितने भी मुझे पता है मेरे पास अभी देखा मैं दोस्तों इतने कॉल आ गए, इतने कॉल है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। देवरा घना जिला राम राम भाई राम राम। अब बताओ दोस्तों फिर तुम्हारे में एक बार और बताऊँ तो जितने भी मदरा दीवाने की जो खास आदमी है ना ये गैंग उसको उठाती है तुरंत ऑन द स्पॉट पिस्टल दिखा के तुरंत, मैं कहूँ जैसे कर तू वैसे दोस्तों मजबूर वो क्या करना पड़ता है। दोस्तों सुबह मुझे मजबूर करके मुझे लाइव आनी पड़ी दोस्तों, मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, उन्होंने बोला तू तेरी आईडी से लाइव आ क्योंकि तेरे फेंक फ्लोर ज़्यादा है तेरे। मैंने बोला यार भाई मेरे में सिर्फ 8% बैटरी है यार और मैं मेरे फ़ोन से लाइव नहीं आ सकता था दोस्तों, मेरी कुछ मजबूरी थी। हाँ इसलिए दोस्तों उसने किसी का फ़ोन लेके और डायरेक्ट भाई ये पकड़ी फ़ोन ले और मैं जाऊँ मैं बोलूँगा करना है तेरे को। दोस्तों जो गणदेव ने बोला वो दोस्तों मैंने किया, इसलिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ। रही दूसरी बात दोस्तों मैं सोचता का बरवाड़ा दोस्तों जरूर आता आज, मुझे बहुत दुख इस बात का, लेकिन क्या करूँ दोस्तों मजबूर था। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ गए नहीं बंदने दोस्तों, सभी भाई भाई मदराज जी दीवाना का साथ दें और मदराज जी को न्याय दिलाए दोस्तों। हाँ दोस्तों बस न्याय चाहिए और क्या यार, जो मदराज जी की जो गाड़ियाँ चली है दोस्तों उसका हर जना दिला दो बस। रही तीनों आरोपियों की बात तो दोस्तों इसको तो मतलब आपको पता है इस बात का, इसको तो पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करेगा यार। हाँ तो दोस्तों सभी भाई उसमें हाथ जुड़ गए नहीं दोस्तों, सुबह जो मैं लाइव आया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, किसी कारण से मैं लाइव आया था मुझे ज़बरदस्ती लाइव बनाई गई थी दोस्तों, वरना ये रामदियाल ऐसे लाइव नहीं आता आपको पता है इस बात का। पहले गोली मेरे निकलेगी उसके बाद में मदरा दीवाना की निकलेगी, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता दोस्तों। आपको पता होगा मैं कितना मतलब कितना पुराना हूँ उसके साथ, मदराज जी के साथ में कितना पुराना कितने साल हो मैं उसके साथ हूँ मदराज जी के साथ में बताओ। मेरा रिश्ता तो अभी होता है यार 2020 के अंदर, उससे पहले मतलब 2016 से मैं मदराज जी को जानता हूँ अच्छी तरह, मदराज कैसे आदमी है। हाँ तो दोस्तों ये बात है मदराज एक नंबर आदमी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसी वजह से मुझे लाइव आना पड़ा दोस्तों, और कृपा करके मेरा यही निवेदन है मदराज को न्याय मिले। दूसरी बात पुलिस प्रशासन को कहे आप कि तुरंत तुरंत जो अपराधी टोंक के अंदर बिना मतलब स्कॉप के घूम रहे हैं कृपा करके उसको तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि टोंक के अंदर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं।
आराम से दोस्त, दो ही मिनट लगे गिरफ्तार करने में यार, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं आजकल। मैं गाड़ी यहाँ से निकली, वहाँ से निकली, क्या करा क्या नहीं करा। हाँ दोस्त, मंदराज जी को जरूर न्याय मिलेगा, मेरा वादा है। रही दूसरी बात, जो भी मंदराज जी की जो कास है ना, उसे मेरा एक ही निवेदन है, टोंक के अंदर तो घुसना भी मत दोस्तों, उसका खूब तगड़ा है माधर चुका। 7-8 उसके पास गाड़ी है, 10-15 बंदे उसके पास लड़के हैं, जिनके पास दो के पास तो देसी कट्टे हैं दोस्तों। अगर आओ दोस्तों, अगर आप टोंक में, तो मतलब मंदराज जी जितने भी जो फैन है ना, खास खास आदमी से बात, जो मेन मेन आदमी है, जैसे आज मैं हूँ, 2-5 और भी है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों के अंदर अगर आप आओ तो मुंह पे कुछ ना कुछ बांध के आइए प्लीज, क्योंकि मैं मुंह पे कुछ नहीं बांधता था, इसलिए दोस्तों मैं आज तक आ गया। और दोस्त सभी भाई इसमें हाथ जोड़ के निवेदन है, मदरा जीवन जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और सभी भाई मेरा ये निवेदन है, मदरा जी को न्याय दिलाए। हाँ, जय देवनारायण भगवान की। यार फोन बैठ चुके यार, फोन बहुत आ रहे यार। सभी भाई मेरे निवेदन दोस्तों, मदराज की न्याय दिलाई। जय देवनारायण भगवान की, जय कन्नल बाबा की, जय जलाल बाबा की। ओके दोस्तों।